जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। सोचो कि ये ले ले। हाँ बहुत बड़ी भाई। अच्छा सबसे अच्छी वाली चुनी है। एक काम कर, ये बांध। ठीक है भैया, मैं इसे पैक कर देता हूँ। विक्रम, इसे ये है कितने की? लगे भूल गए, अजी 8,500 रुपए की है। अरे पता तो सही। एक मिनट बात सुन, मैं कहा बता ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बोल बता कितने? ये क्यों रुपया? भैया आपकी खुशियों की कीमत लूंगा क्या मैं आपसे? क्या कर रहे हो भैया? अरे बचपन में तो इससे कई गुना ज्यादा की तो आपकी कुल्फिया खा गया यार मैं भैया के। नहीं भैया मैं नहीं लूंगा आपसे पैसे। ये साड़ी लो और जल्दी जाओ। कमाल कैसे मरी मीनू री मनी, कैसे भतान मिले है? पापा लेने वाला कोई और, देने वाला भी कोई और जेब कटे मारी हाय क्यों ना? एक काम करती हूँ, जज्जी के पीछे जाती हूँ, अब उन्हीं से पैसे ले लेती हूँ, खुद तो चक्कर चलाऊंगी। बाद में फोन करती हूँ। आई एम सॉरी सूरज जी, वो मैं आपको देख नहीं पाई। साड़ी हराम, ये जी जी साड़ी तो आप जिठानी जी की लाते हैं और इनके हाथ लग गई। जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा जेठ जी ने, आप बुरा को नहीं मानना बिल्कुल भी। हाँ इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? अरे हाँ आप क्यों बुरा मानने लगी, आप तो जानती नहीं ना है कौन ये। कुछ समझ ही नहीं मीनाक्षी, बात क्या है? वो कहे वो कविता है ना, वो कविता जी वही है जिनसे इनकी पहले शादी होने वाली थी। अरे जेठ जी तो बड़े प्यार से बड़े प्रेम से इनके लिए लॉकेट भी ले आए थे, मुझे याद है बड़ी डांट पड़ी थी बापू से इनको, लेकिन ये मंडप वाले दिन ही भाग गई। 15 दिन में आप आ गई, नहीं तो आप ही की जगह होती ना ये। और बापू का दिल देखो, तब भी छवि की शादी में बुला लिया ही नहीं है ना। ये साड़ी सूरज जी मेरे लिए लाए, गलती से आपके पास आ गई। सूरज जी आपका ये खास तोहफा बहुत प्यारा है। थैंक यू। जेठानी जी वो बाबू ने कहा है कि वो बस लड़के वालों के साथ ना आती ही होंगी, तो हमें घर का बहुत काम करना है। हाँ हाँ जी जी, वो बाबू कह के गई थी कि वो दाई साहब पड़ोसियों के यहाँ पे हैं, तो आप उनका मनोहार कर दीजिए, आप जरा चले जाएंगे। हाँ मैं जाता हूँ। जी जी सुनो, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी चलती हूँ। अजी ऐसे कैसे है, बाबू ने इतने प्यार से बुलाया है, आज तो लड़की वालों का दिन है, तिलक है ना, आज ही तो खान पान में इतनी रौनक होगी और आज तो लड़कों वालों में खूब मस्ती मजाक होगा, आज ही ना आए तो फिर शादी में आने का फायदा क्या हुआ जी। पर इन सब मैं क्या करूंगी, आप लोग जिठानी जी अब आप ही रोके।
शायद आप ही की बात सुनने मारे को बड़ा काम है। आप भाभो की मेहमान है, मना मत कीजिए। अगर आप रुकेंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आइए। संध्या जी, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए ना, मैं भला बुरा क्यों मानूंगी। एक्चुअली संध्या, तुम्हारे बारे में मुझे आंटी जी तुम्हारी भाभी ने बताया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आईपीएस बनने वाली वो तो बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ही जोश और जज्बे से जीने वाली होगी, पलट कर गलत बात पे सबको जवाब देने वाली होगी, जिसकी जिंदगी में उसका आत्मसम्मान सबसे ज्यादा महत्व रखेगा। पर आई एम सॉरी संध्या, अभी सबके सामने आंटी जी ने जिस तरह तुम पे चिल्लाया, तुमने उन्हें पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़ी हुई सुनती रही। ये सब देख के मुझे काफी बुरा लगा संध्या। इन सब चीजों से तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? इनफैक्ट तुम्हारे हस्बैंड सूरज जी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप खड़े खड़े सुनते रहे। संध्या, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तो सबके सामने तुम ये सब कैसे सह लेती हो? संध्या भाभी, भाभो और सब लोग लड़के वालों को लेकर आ रहे हैं, जल्दी आइए। ठीक, मैं साड़ी रख के आती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।